नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो बिहार एकदम तेजी से बढ़ता हुआ चल रहा है कि यहां पर देखा जाए कि पहले आंसर सीट आने के बाद अब रिस्पांस सीट, एक तरह से बोला जाए बच्चों के जो प्राइमरी भर्ती थी, जो टीचर भर्ती थी, आपकी टीआरई थी, टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम था, उसका ओएमआर सीट आपका आ चुका है। आप अपने ओएमआर सीट को देख सकते हैं कि आपके ओएमआर सीट में आपने किसी प्रश्न को गलत लगाया हो या आंसर की से मैच कर सकते हैं कि आपने जो लगाया और आंसर की में कैसा उसका रिस्पांस देखने, वैसे भी आपको कार्बन कॉपी मिली रही होगी, लेकिन आप एकदम एक्चुअल में अपना ओएमआर सीट देखना चाहते हैं कि आप कैसा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है जो आपकी भर्ती आई थी उसका आप ओएमआर जो है वो आप देख सकते हैं, कहाँ से 1-10 से लेकर 10-10 तक आप इस ओएमआर को डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? www.onlinebpsc.bihar.gov.in से आप अपना ओएमआर सीट मतलब उत्तर पत्रांक डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं कि क्या कोई गलती ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई आंसर हमने भरा था और उस पर टिक नहीं हुआ कार्बन कॉपी में। हो सकता है कभी कभी कार्बन वाले से मिलाने से हो सकता है सही रूप से आपका गोला नहीं भरा जाता है, लेकिन आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो पूरा आपका ओएमआर स्कैन करके रहेगा, आप वहां से मैच कर सकते हो। तो 1-2 प्रश्न इधर उधर आपके रहे होंगे तो वो भी अब कुछ चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाएगा। बाकी रिजल्ट भी जल्द देखने को मिल जाएगा, सीटेट का भी रिजल्ट आ ही गया और यहाँ पर आपका ओएमआर सीट आ चुकी है, तो जल्द आपका प्राइमरी के जो भर्ती कराई गई थी बिहार के द्वारा उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और एक तरह से बोला जाए बिहार सरकार जो है बीपीएससी अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रही है और वो भी ऑलमोस्ट 60,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है, 6-8 और 9-10-11-12 सबको मिलाकर, बस प्राइमरी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी या ना आने के कई मुद्दे हैं। अभी बीएड वाला मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंची है बिहार सरकार उस मुद्दे को, तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम लास्ट है, जो कह दिया गया। वैसे भी पटना हाईकोर्ट ने भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ही बताया था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि लेकिन जो बच्चे बीएड वाले हैं चूक गए वो निराश ना हो। आपके लिए एक नई भर्ती बीपीएससी कराने जा रही है, 6-8 की आ रही है, फिर 9-10 और 11-12। कुछ बच्चे जो एस्टेट नहीं दिए थे उस समय वो काफ़ी ये थे कि नहीं सर अभी तक एस्टेट नहीं हुआ तो हमने कभी एस्टेट दिया नहीं, तो ये 9-10 और 11-12 की जो भर्ती है उनके हाथ से चली गई थी। लेकिन इस बार एस्टेट भी हो चुका है, सीटेट भी इससे पहले हो चुका है आपका, प्राइमरी जूनियर दोनों, तो सभी लोग एलिजिबल होंगे। तो इस बार एकदम आप लोग जी जान से मेहनत करिए, जो लोग भी 6-8 या चाहे 9-10-11-12 की टीचर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश पिछली बार आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो तो इस बार कोशिश करिए कि आपका एग्जाम अच्छा हो। जो भी और नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होगा हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।